दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए पहुंची भारतीय टीम ने डर्बन में होने वाले पहले मैच के लिए प्रैक्टिस शुरू कर दी है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली टीम 3 T20 मैचों की सीरीज शुरू होने से पहले बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करना चाहती है। बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है जिसमें कोच राहुल द्रविड़ के साथ भारतीय खिलाड़ी मैदान पर नजर आ रहे हैं। आईसीसी ने वर्ल्ड कप में इस्तेमाल हुए पिचों की रेटिंग जारी की है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के पिच को आईसीसी ने एवरेज बताया है। फाइनल में भारत को इस पिच पर खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया के हाथों करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। आईसीसी ने सेमीफाइनल की पिचों को भी एवरेज करार दिया है। अफगानिस्तान के पूर्व कप्तान असगर अफगान ने एमएस धोनी को लेकर एक खुलासा किया है। अफगान ने बताया कि साल 2018 में धोनी ने कहा था कि अगर मोहम्मद शहजाद 20 किलो वजन कम कर लेंगे तो वो शहजाद को चेन्नई सुपर किंग्स में चुन लेंगे। ये घटना साल 2018 की है जब एशिया कप में भारत अफगानिस्तान की भिड़ंत थी। लीजेंड्स क्रिकेट लीग में गौतम गंभीर से विवाद के बाद एस श्रीसंत मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। लीजेंड्स क्रिकेट लीग के कमिश्नर ने श्रीसंत को कानूनी नोटिस भेजा है। श्रीसंत ने वीडियो जारी करते हुए आरोप लगाया था कि गंभीर ने उन्हें बिना किसी वजह के फिक्सर कहा था। रिपोर्ट के मुताबिक नोटिस में लिखा है कि T20 टूर्नामेंट में खेलते समय श्रीसंत ने अपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है। अफगानिस्तान के बल्लेबाज नजीबुल्लाह जादरान ने आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए खेलने की इच्छा जताई है। जादरान ने कहा कि आरसीबी आईपीएल में उनकी पसंदीदा टीम है और वो चाहते हैं कि विराट कोहली इस बार ट्रॉफी जरूर जीते। जादरान ने 50 लाख रुपए के बेस प्राइस पर नीलामी के लिए अपना नाम दर्ज कराया है। मीरपुर टेस्ट के तीसरे दिन न्यूजीलैंड पहली पारी में 180 रनों पर सिमटी। दूसरी पारी के दौरान बांग्लादेश की खराब शुरुआत, 38 रन पर गवाए 2 विकेट। बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड पर 30 रन की बनाई बढ़त। जाकिर हसन और मोमिनुल हक क्रीज पर मौजूद। 2 मैचों की सीरीज में बांग्लादेश 1-0 से आगे। वुमेन्स प्रीमियर लीग के पहले शानदार सीजन के बाद बीसीसीआई दूसरे सीजन की तैयारी में जुटी है। WPL के दूसरे सीजन से पहले 9 दिसंबर को मुंबई में ऑक्शन होने वाला है। WPL को बढ़ावा देने के लिए रोज और बिन्नी की अगुवाई में 8 मेंबर्स की कमेटी बनाई गई है। बिन्नी इस पैनल के अध्यक्ष होंगे जबकि बीसीसीआई सचिव जय शाह को इसका ऑर्गेनाइजर बनाया गया। मेलबर्न स्टार्स के कप्तान ग्लेन मैक्सवेल चोट के कारण पर्थ स्कॉचर्स के खिलाफ मैच से बाहर हो गए हैं। मैक्सवेल को बिग बैश लीग सीजन 13 के शुरुआती मैच में ब्रिस्बेन हीट के खिलाफ बल्लेबाजी करते समय बाह में चोट लग गई थी। मैक्सवेल को मैच के दौरान 2 बार मेडिकल फैसिलिटी दी गई। मैक्सवेल की गैर मौजूदगी में मार्क्स स्टोइनिस को लिया गया है। पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की पीएम 11 टीम ने बल्ले से दिखाया दमखम। दूसरे मैच में पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए बनाए थे 391 रन। जवाब में पीएम 11 ने तीसरे दिन 4 विकेट खोकर 367 रन बनाए। मैट रैशोद 136 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। कैमरून बेनकॉफ ने खेली 53 रन की पारी। वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी निर्णायक मुकाबला ब्रिजटाउन में 9 दिसंबर को खेला जाएगा। मैचों की वनडे सीरीज में दोनों टीमें 1-1 मुकाबला जीत चुकी हैं। वनडे सीरीज के बाद इंग्लैंड वेस्टइंडीज के बीच 13 दिसंबर से 5 मैचों की T20 सीरीज खेली जाएगी।